गुड मॉर्निंग लर्नर्स. सो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इससे पहले हम आपको sp sp2 sp3 sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो मेरा नाम डॉक्टर रुचि पांडे है. मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जो आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं sp3d2d हाइब्रिडाइजेशन. क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ऑन मिक्सिंग 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स ए सेट ऑफ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है टोटल बाकी 6 ऑर्बिटल. कैसे? देखिए, d के 2, पी के 3 और एस का 3 और 2 5 और 1 6. टोटल मतलब कितने ऑर्बिटल? 6 ऑर्बिटल. इन 6 ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल होंगे. टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? 6 ऑर्बिटल मिक्स्ड होकर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें d ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कहोगे dx²-y² और dz². यानी कि dx²-y² और dz² ऑर्बिटल जो होंगे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे. एक्चुअल में हमें पता है कि d ऑर्बिटल 5 भाग में डिवाइड होता है, dxy, dyz, dzx, dx²-y² और dz². लेकिन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा करता है? sp3d2 में dx²-y² और dz² ऑर्बिटल क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है. This process is known as the sp3d2 hybridization process. और इस process को हम कौन सी process कहते हैं? sp3d2 hybridization की process कहते हैं. और इस प्रक्रिया में, in this process, new orbital is formed is called the sp3d2 hybrid orbital. इस process में बने orbital को कौन सा orbital कहते हैं? sp3d2 hybrid orbital के नाम से जाना जाता है. The formation of these orbital is shown below. इस orbital का बनना हम किस तरह से show कर सकते हैं? इस तरह से show कर सकते हैं, जो मैं आपको next slide में रिप्रेजेंट कर रही हूं. जैसे कि मैंने बोला sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा एक s, ये जो s ऑर्बिटल ये है, 3p, 1 2 3, 3p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल dx²-y² और dz² आपका ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है. हाँ, पार्टिसिपेट करके आप जो ज्योमेट्री बनाएगा वो क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को प्रोड्यूस करेगा. ये आपका sp3d2 का 3d स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है. ये आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी आपको इसको पूरा हाइब्रिडाइजेशन करके एक्सप्लेन किया जाएगा. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है वहां पर आपका वो इस तरह से होता है. कोई सेंटर मेटल ये है तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? 6. 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और 6. टोटल मिलाकर कितने होंगे? 6 लिगेंड्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. तो ये हमारी ज्योमेट्री क्या दिखाई देती है? sp3d2 ज्योमेट्री शो होती है. बट क्वेश्चन उठता है कि कैसे बनेगी ज्योमेट्री, एक्सप्लेन करते हैं इसको कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगी. उससे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? और सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखिए, ऑल 6 ऑर्बिट्स आर फॉर्म इक्विवेलेंट इन एनर्जी. इसमें जो 6 ऑर्बिट्स बनेंगे, 6 पॉइंट बन रहे हैं, वो उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, इक्विवेलेंट इन एनर्जी सेम. एंड द ऑरिएंटेशन अलोंग द 6 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, देयर अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे जो सबके सब क्या होंगे? इक्विवेलेंट एनर्जी, क्योंकि उनकी ऊर्जा क्या होगी? समान होगी. एंड द शेप आर ओरिएंटेड अलोंग द 6 कॉर्नर. उनका शेप का होगा 6 कॉर्नर में होगा, जैसे कि मैंने शो करा 6 कॉर्नर में. 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 और 6. टोटल मतलब कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 6 कॉर्नर में आपका इसका 6 शेप आपका रिप्रेजेंट होगा. तो इनकी सबके सब क्या होंगे? इक्वल एनर्जी होगी. इक्वल एनर्जी कितनी भी एक्सप्लेन कर पाओगे? इक्वल एनर्जी का मतलब हो गया इनकी एनर्जी समान होगी. इस पॉइंट को मैं आपको अभी डिस्कस करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी एनर्जी सेम कैसे होगी. ठीक, दूसरा पॉइंट जो हम कहेंगे, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपका, कि देखिए, ऑल द ऑर्बिट्स डू नॉट लाई इन द प्लेन. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 कॉल्ड बेसल और द इक्वेटर हाइब्रिड ऑर्बिटल ले इन द स्क्वायर प्लेन, व्हाइल द रिमेनिंग 2 आर कॉल्ड द एक्सेल ऑर्बिटल. सभी ऑर्बिटल डू नॉट लाई इन ए प्लेन. सभी ऑर्बिटल एक प्लेन पे नहीं होते हैं. आपको दिख रहा होगा इस ज्योमेट्री में मैंने जैसे बना रखा है, सभी एक प्लेन पर नहीं होते हैं. 1 2 3 4, 4 तो एक प्लेन है, जो मैंने पोर्शन हाइलाइटेड करा ये पोर्शन. 4 तो एक प्लेन पे, एक तल पर है, जैसे कि ये एक प्लेन है, एक सरफेस है, आप एक सरफेस पर देख सकते हैं. व्हाइल रिमेनिंग 2, इसके अलावा 2 जो है एक्सेल ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन. इसके अलावा 2 जो है, एक ये ऊपर और एक नीचे, अबव प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे. अगर हम इसको 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ये पेपर एक प्लेन, एक ये दिख रहा है, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे दिख रहा है.
द एंगल बिटवीन द एडजस्टेंट पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 90 डिग्री, और इस समय जो एडजस्टेंट प्लेन पर जो एंगल होगा ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, यह एंगल कितना पाया जाता है 90 डिग्री का होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब ये बात तो मैंने केवल बोल दिया, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो सो वी टेक द वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो मैं एग्जांपल क्या ले रही हूँ, देखिए sf6 ले रही हूँ, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको शो कर रखा है कि इसका स्ट्रक्चर में मैंने वो लिखा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, जैसे मैंने बोला sf6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टेहेड्रल होता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्योरिटी लाते हैं कि sf6 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। सो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या कई इससे पहले एक वीडियो बना रखी है मैंने जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला h = vm - c + c। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पहले सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि रियल में इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट h इज द हाइब्रिडाइजेशन 1/2, v मींस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंटर मेटल, सेंटर मेटल में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेंटर मेटल क्या है सल्फर है, उसके सराउंडिंग में क्या है 6 क्लोरीन है, तो सल्फर मेटल में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, वायर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2, 8 और 6, वायर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6, प्लस n मींस मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी का मतलब सल्फर के सराउंडिंग में कितने एक वैलेंसी वाले कितने एटम और आयन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो एक वैलेंसी वाले कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है 6 फ्लोरीन प्रेजेंट है। ओके, C is cation, इस फॉर्मूले में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ cation इज बिकम 0 एंड द anion वैल्यू आल्सो बिकम 0, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर नेगेटिव चार्ज है, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 12/2, दैट मींस इट्स वैल्यू इज 6, 6 मींस द 6th ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन द हाइड्रोजन, और यू नो दैट इन द 6th मींस sp3d2, एक एफ 3p और 2, ये हो गया 1 और 3, 4, 2 और 6, तो ना मतलब कितने ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट मींस इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन उपस्थित है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन उपस्थित है ये तो हमारा क्लियर हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा प्रेजेंट है ये तो हमारा क्लियर हो गया, बट क्वेश्चन ये उठता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये ज्योमेट्री किस तरह से सूख जाएगी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोन द sf6, हम क्या लिख रहे हैं sf6 को लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16, नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ओके 4 2 6, और ये हो गया 6 और 4 10 तो 12 और 6 16। ठीक है, सो नाउ सल्फर इन द ग्राउंड स्टेट, सल्फर को हम किसमें शो करेंगे इन ए ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वायर कोष का होता है, खाली आउटर ऑर्बिटल का होता है, सो दिस इज द आउटर ऑर्बिटल 3s एंड दिस इज द आउटर ऑर्बिटल 3p, हमने इलेक्ट्रॉनों को शो कर दिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3 एंड 4, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनों को शो कर दिया इन ए ग्राउंड स्टेट, और इस टाइम पे हम p ऑर्बिटल को d ऑर्बिटल को हम एम्प्टी शो करेंगे, कौन सा ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी रिप्रेजेंट होगा। नाउ सल्फर इन एन एक्साइटेड स्टेट, सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में शो करेंगे इसके पश्चात, तो सल्फर इन एन एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव टू द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन ए सेम ऑर्बिट, हाईएस्ट ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये आपका 3d ऑर्बिटल हो गया, ये दिस इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया और ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया, सो नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके आपके क्या है सिंगल है, ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड में शो कर देंगे, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो कौन सा, एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है, सो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट हुआ, सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर हो गया,
हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन बना, sp32 हाइब्रिडेशन बन गया। बट उसके बाद ज्योमेट्री को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसकी ज्योमेट्री हमने बोला इसकी ज्योमेट्री ऑक्ट्रेडल होती है, जिसमें से चार एक प्लेन पे होते हैं, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं ऑक्ट्रेडल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो चार एक प्लेन पे होते, तो देखिए छह है, छह का मीन्स हो गया ये हो गया चार कॉलम। SF6 है आपका एक फ्लोरीन एक प्लेन पर, दूसरा फ्लोरीन एक प्लेन पर, तीसरा फ्लोरीन तीसरे प्लेन पर, चौथा हो गया चार एक प्लेन पर हो गए, दो तल के ऊपर, दिस इज द फ्लोरीन अबव एंड दिस इज द फ्लोरीन ब्लू, इसका इसको हम स्विच कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से कनेक्ट हो जा रहा है। तो दिस ज्योमेट्री इज व्हाट, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री इस तरह से ही बनी, देखिए ठीक। और इस समय ये बना हुआ, इसको हम इस तरह से भी कर, पूरा जो 3D स्ट्रक्चर है उस तरह से भी शो हो सकता है, ये पॉइंट को हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया ठीक। और इस समय हमारा ये ईच एंगल जो बेसल एंगल होता है दिस इज द 90 डिग्री, हमारा ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, जैसे कि इसमें रिप्रेजेंट है हमारे 3D स्ट्रक्चर, हमारा जो ऑलरेडी बने हुआ स्ट्रक्चर है, दिस एंगल इज द 90 डिग्री एंड दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, दिस इज द 180, और इस समय बना हुआ ये एंगल जो होता है वो कितना होता है 180 का होता है। सो आपको ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर जाएगा, क्या मैंने एक पॉइंट बोला था, देखिए ऑल द ऑर्बिट डू नॉट आर इन द प्लेन, सब ऑर्बिट एक प्लेन पे नहीं होते हैं, फोर ऑर्बिट आर द फोर ऑर्बिट्स ऑफ द सिक्स आर कॉल्ड द बेसल, वो सिक्स में से फोर जो होते हैं ये दिस इज नोन एज द बेसल हाइब्रिड एंड लाइन इन द स्क्वायर, एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट है, रिमेनिंग टू अब इन ब्लू द प्लेन, रिमेनिंग जो बच गए दो एक ऊपर एक ब्लू, एक ऊपर और एक नीचे रिप्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर हमारा क्या दिखाई देता है, इसका हमारे स्ट्रक्चर क्या दिखाई देता है, इस तरह से हमारा ऑक्टेट ज्योमेट्री ये हमारी ये ज्योमेट्री शो होती है। तो दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ठीक। इसका हमारा लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बचा है sp3d3, नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज ओवर। सो आराम से इसको समझिए और कई और एग्जाम्पल लेके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करिए। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।